If you're new to my channel, press the subscribe button and press the bell icon to never miss any update from my channel. दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने मेरे पिछले वाले वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक्साइन XC101 प्रोजेक्टर का अनबॉक्सिंग किया था और उसके बारे में कुछ डिटेल्स आप लोगों को बताई थी। तो आज मैं इसी प्रोजेक्टर का वीडियो क्वालिटी टेस्ट करवाऊंगा आप लोगों को और दिखाऊंगा कि इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। हालांकि मैंने इस प्रोजेक्टर को 4-5 दिन कंटिन्यू यूज किया है और इसमें करीब मैंने 7-8 मूवियां देखी, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया इस प्रोजेक्टर में मूवी देखने में। और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो एक नंबर की शानदार क्वालिटी वाला प्रोजेक्टर है। तो मेरे हिसाब से अगर 6 से 7 हज़ार की रेंज में यदि आप कोई प्रोजेक्टर लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा बेस्ट प्रोजेक्टर कोई भी नहीं हो सकता है। जो इसकी क्वालिटी है वो क्वालिटी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। और बाकी सारी डिटेल तो आपको मैंने पहले वीडियो में बताई थी। तो अब इसमें मैं आप लोगों को केवल इसका क्वालिटी टेस्ट करके दिखाऊँगा इसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ और देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यदि आप इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप सोचते हैं इस प्रोजेक्टर को लेने के लिए, तो मैं इस प्रोजेक्टर का लिंक भी आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। आप वहां से क्लिक करके इस प्रोजेक्टर को बाई कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या पेटीएम से। तो ये रही इसकी पावर केबल। अब मैं इसको करता हूँ ऑन। तो सबसे पहले मैं इसकी पावर केबल को कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैं इसकी पावर केबल को कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे एक रेड लाइट आ जाएगी पावर बटन के साइड में। ये देखिएगा, ये रेड लाइट आ चुकी है। अब मैं जैसे ही इसमें पावर की बटन को दबाऊंगा, पावर ऑन करूंगा इसका, तो इसका लाइट का जो कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। इसका मतलब ये ऑन हो चुका है। और सबसे बड़ी खास बात दोस्तों कि अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्टर यूज किए हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का रहा हो, लेकिन इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो वाकई में ज़बरदस्त साउंड क्वालिटी है। मतलब यदि आप इस पर आप कोई भी मूवी देख या कोई टीवी सीरियल्स देख रहे हैं सेटअप बॉक्स कनेक्ट करके, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा कोई भी साउंड या म्यूजिक सिस्टम लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो साउंड है वो काफ़ी अच्छा है औरों के मुकाबले, क्योंकि मैंने इसको काफ़ी जाँच परख के साथ इसको चेक किया है और इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो ये ऑन हो चुका है। तो अब मैं इसको आपको चेक करवाता हूँ। ये जहाँ पे मैं चेक करवाऊँ, एक नॉर्मल सी दीवार है, अगर दीवार में इतनी अच्छी क्वालिटी आ रही है तो सोचिए यदि मैं इसको किसी पर्दे पे चलाता तो इसकी क्वालिटी जो है 2 गुनी ज़्यादा और अच्छी आती। तो ये इसका लेंस वाला बटन है जहाँ से मैं इसका लेंस प्रॉपरली सही तरीके से सेट कर रहा हूँ। और मैं एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब मैं इसको ऑन करूँगा तो कमरे की लाइट को बंद कर दूँगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे मोबाइल का जो कैमरा है उतना अच्छा नहीं है जो कि उतना अच्छा वीडियो ले पाएगा, पर यकीन मानिए इसका जो क्वालिटी है 6 से 7 हज़ार की रेंज के प्रोजेक्टर के मुकाबले काफ़ी अच्छी है, जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो अब मैं इसको करने वाला हूँ स्टार्ट, तो देखते रहिएगा। और हाँ, एक चीज़ जो मैं ये वीडियो प्ले करने वाला हूँ, ये फुल वीडियो नहीं है, फुल HD वीडियो नहीं है, ये 720p वाले वीडियो हैं। मतलब ये नॉर्मल HD वीडियो होंगे जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए, मैं एक सैमसंग का SD कार्ड है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ और मैं 2-3 क्लिप प्ले करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो देखते रहिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और कोई भी दिक्कत आ रही है आपको तो मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा इस वीडियो को। तो यहाँ पे मैंने मेमोरी कार्ड लगा दिया है। अब मैं इस रिमोट कंट्रोल की सहायता से इसको अब कंट्रोल करूँगा। तो अब आपको मैं सामने की तरफ दिखाता हूँ जहाँ पर ये फोकस कर रहा है। तो ये देखिए, ये अंधेरा हो चुका है कमरे में। अब देखिएगा इसकी जो क्वालिटी है, थोड़ा सा आपको जो ब्लर दिख रहा होगा वो कैमरे के कारण है, बाकी इसकी क्वालिटी में कोई शक नहीं किया जा सकता। वाकई में एक नंबर की क्वालिटी है। तो देखिएगा, मैं एक मूवी प्ले करता हूँ।
जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसकी पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है, एकदम क्लियर दिख रहा है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस हैं जहाँ से आप इसका कलर सेट कर सकते हैं, इसका जो रेटियो है वो कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं, जूम भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, और जो रेटियो आपको पसंद आता है, जिस साइज़ में आपको देखना है उस साइज पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें साउंड के लिए भी स्पेशल फंक्शन दिया गया है, जहाँ से आप इसका साउंड स्टीरियो जैसा आपको करना हो वैसा कर सकते हैं। तो ये साउंड वाला सिस्टम मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इसमें सबसे बड़ी खास बात है, यदि कोई वीडियो या कोई मूवी हिंदी और इंग्लिश में है तो आप इसमें लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको आसानी से कन्वर्ट करके देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे और शॉर्टकट फंक्शंस हैं इसमें। और यहाँ पे इनपुट सर्च पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट तरीके से लिखा हुआ है, जहाँ पे आप बड़े आसानी से इसके फंक्शंस देख सकते हैं और उनको चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं एक दूसरा क्लिप प्ले करने वाला हूँ, तो उसको भी देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा और इस प्रोजेक्टर की क्वालिटी कैसी है। और सबसे बड़ी खास बात, इसका जो वेट है वो भी काफ़ी कम है, 0.9 kg का है। और इसकी जो प्रोजेक्टर की साइज है, जो फोकस की साइज है, वो आप 120 इंच तक कर सकते हैं और इसकी जो दूरी है वो 3 मीटर तक कर सकते हैं, रख सकते हैं। जो इसमें क्वालिटी मिलेगी वो आपको बहुत अच्छी मिलेगी। No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.